हाय एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ चीज़ आलू पराठे। ये आलू छील के रखे हैं, अब हम इसको मैश करेंगे। आलू को मैश कर लिया है। चलिए अब हम इसमें मसाले डालते हैं। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ, भुना हुआ जीरा, गरम मसाला, चाट मसाला, हींग, धनिया जिसको मैंने थोड़ा क्रश किया है, हरी मिर्च कटी हुई, दो हरी मिर्च, दो बड़े प्याज, नमक और हरा धनिया मैं सबसे लास्ट में डालूंगी। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। आलू के मसाले को मिक्स करने के लिए मैंने काटा चम्मच लिए। अगर हमारे मसाले में बड़ी साइज में आलू रह जाए वो भी अच्छे से मैश हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे काटा चम्मच ले रही हूँ। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। कटा हुआ हरा धनिया। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। आटा मैंने पहले से गूंद के तैयार रखा है। आटे से हम दो छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। लोइयों से हम रोटी बनाएंगे। इसी तरह दूसरी रोटी भी बेल के तैयार कर लेंगे। अब रोटी पे आलू के मसाले को अच्छे से फैलाएंगे। चीज़ को मसाले पे कसेंगे। जो दूसरी रोटी बेल के तैयार की हुई है उसको इस पे रखेंगे और साइड से इसको चिपकाएंगे। सूखा आटा लगाएंगे और हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। अब पराठे को हम सेकेंगे। ये देखिए पराठा एक तरफ से हमारा सिक गया है। अब इसको पलट देंगे और दूसरी साइड भी घी लगाएंगे। और अच्छे से पलट पलट के दोनों साइड से इसको सेक लेंगे। पराठा हमारा सिक के तैयार है। हम इसको चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं।